रवाना हो गई है। सोमवार सुबह सुबह बांदा पुलिस लाइन में फोर्स को एकत्रित किया गया। पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी रोपड़ भेजी गई। पूरे मिशन को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा गोपनीयता बरती जा रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जेल में सुरक्षा ऑडिट भी किया जा रहा है। इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट डीजी कारागार आनंद कुमार को भेज दिया गया है। ऑडिट के दौरान तन्हाई बैरक की विशेष जांच की गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी को यहीं रखा जाना है। जेल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब सीएम ने यूपी पुलिस को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल से पहले यूपी ले जाने की बात कही है।